गुड मॉर्निंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? गुड मॉर्निंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली स्टार्ट योर वीडियोस. स्टार्ट योर वीडियोस. एटलीस्ट वो तो स्टार्ट करें जो कर सकते हैं, जिनकी डेली स्टार्ट होती हैं वीडियोस. ओके मान्या, इट्स ओके. सचिन ओके. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10. के सेम एज की इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, तो हमने डिस्कस कर लिया था इन लास्ट क्लास. सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, इफ यू वॉन्ट टू डिस्कस द आंसर ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, जस्ट क्लिक ऑन पार्टिसिपेंट्स एंड टिक ऑन येस. अदरवाइज वी विल प्रोसीड. वी हैव टू सॉल्व सम टूडे वी हैव टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू रिडबर्ग इक्वेशन. सचिन यू वॉन्ट टू सी समथिंग? Just click on, if you want to discuss the answer of subjective question paper, just click on participant and click on yes. And if you don't want, then click on. So there's a majority of yes. So let's discuss the answers of subjective question paper as well. Wait a minute. I have to share a screen. Class 11th subject. So first of all, this sample as first question I calculate molecular mass of the following. You all know that how to calculate the molecular mass. For calculating the molecular mass of CH4, mass of C plus 4 into mass of H, that is 12 plus 4 is equal to 16 U. और CO2 का मास आपका क्या जाएगा, दैट इज मास ऑफ C प्लस 2 इनटू मास ऑफ O, दैट इज 44 U. यूनिट कंपलसरी होती है. सेकंड आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना था इसको, तो यानी कि जो पॉइंट आपका है डेसिमल पॉइंट, वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आना चाहिए. तो दैट इज 1.26 इनटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5. 1.26 into 10 raised to the power 5 or 2.5 into 10 raised to the power minus 3. Next, aapka fill in the blanks and the following conversions. Conversion ke filling in the blanks hain ki 1 kilometer mein kitne mm hote hain aur kitne picometer hote hain. So 1 meter mein, you know that in 1 meter there is 10 to the power minus 9 picometer. तो 1 किलोमीटर में कितने पिकोमीटर होंगे? सिंपली अनम्यूट योर सेल्फ एंड गिव आंसर. पहले तो 1 किलोमीटर में एमएम कैलकुलेट कर लेते हैं. हाउ मेनी मिलीमीटर आर प्रेजेंट इन 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर प्रेजेंट होते हैं? आपको यहाँ पे आंसर सिर्फ और सिर्फ 10 रेस टू द पावर में ही देना है. तो बताइए किसी ने सॉल्व नहीं किया है न्यूमेरिकल? सिंपल एज बेसिक रिलेशन फ्रॉम मैथमेटिक्स में से ही है. वन मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? How many millimeter in 1 meter? अगर किसी को पता है तो अनम्यूट करके आंसर बोलिए. That is 1000.
1 meter में आपके 1000 होते हैं, 10^3, तो 1 kilometer में कितने होंगे, 10^6, और picometer में अगर आप करेंगे, picometer 1 meter में 10^-12 picometer है, तो 1 kilometer में आपका कितना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर कम हो जाएगी। सेम एज वही आपको मिलीग्राम को किलोग्राम में करना था 10^-6, और किलोग्राम को आपको नैनोग्राम में करना था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18.2 ग्राम ऑफ NaOH इन डिस्टिल्ड वाटर टू गिव 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या फिर इन मिलीलीटर इन 2000। तो वॉल्यूम आपका 200 ml गिवन है, गिवन मास आपका 18.25 है, NaOH का मास 40 आएगा आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स बाय यूजिंग फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, और उसके बाद आपको उसे मोलारिटी के फॉर्मूले में पुट करना था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड मास फॉर द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन का चार्ज और मास लिखना था। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, सिंपल अगर आपने -1 लिखा होगा तो भी सही है, और -1.6 × 10^-19 लिखा होगा वो तो भी करेक्ट। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 9.1 × 10^-31। प्रोटोन आपका है, प्रोटोन का जो चार्ज है दैट इज +1 या फिर +1.6 × 10^-19 कूलम, और मास इसका 1.67 × 10^-27 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6, द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज 480 नैनोमीटर। ब्लू लाइट की वेवलेंथ 480 नैनोमीटर है। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ वेव नंबर ऑफ दिस लाइट। तो वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है 480 नैनोमीटर, तो उसे हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज 480 या 48 × 10^-8 मीटर हो जाएगा। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी, तो न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, और वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। दो कैलकुलेशन थी, दोनों करेक्ट होंगी तो 2 marks आपके पूरे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको उस दिन पेपर में सही शो हो रहा होगा, ये पीडीएफ में ऊपर नीचे हो जाते हैं सिंबल्स। तो ये था 56 बेरियम 137 टू पॉजिटिव और 88 रेडियम 226। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 56 है फर्स्ट में, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 56 - 2 आ जाएंगे क्योंकि इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन आपके 137 - 56 रहेंगे फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाले में 88 रेडियम 226 था, तो प्रोटॉन्स 88, इलेक्ट्रॉन्स 88 और न्यूट्रॉन्स 226 - 88। तो ईच ऑफ द क्वेश्चन दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इफ यू कैलकुलेट, अगर आपने इलेक्ट्रॉन सही कैलकुलेट किए होंगे तो यू गॉट अ हाफ मार्क्स। प्रोटॉन का हाफ है, न्यूट्रॉन का हाफ है 1.1, 1.5 का, ये दो न्यूमेरिकल्स हो गए आपके। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। 3 डिफाइंस हैं, ईच डिफाइन कैरिंग 1 marks, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड होमोजीनियस मिक्सचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज अ एसेंशियल एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेज विच कैन नीदर बी ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटेंसेज नॉर फॉर्म फ्रॉम टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज। एलिमेंट्स ना तो फॉर्म किए जाते हैं ना डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, तो वो एलिमेंट्स हो गए, दे कंसिस्ट अ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। नेक्स्ट है होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर द मिक्सचर विच डू नॉट हैव एनी सेपरेशन बाउंड्रीज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स, वो होमोजेनियस होता है जिसमें नो सेपरेशन बाउंड्रीज आर प्रेजेंट, जो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, न्यूमेरिकल है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 60 ग्राम ऑफ मीथेनॉल टू 120 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल एंड वाटर। तो मोल फ्रैक्शन के लिए वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट। तो द सॉल्यूशन है 60 ग्राम मीथेनॉल है उसमें और 120 ग्राम ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे आप, पहले निकाल लेते हैं मीथेनॉल के गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 60 अपॉन मीथेनॉल का मास आ जाएगा। फिर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास,
गिवन मास 120 है, 18 से डिवाइड किया, फिर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे हम मिथेनॉल का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सेम इन द वे ऑफ वाटर का कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपका फॉर्मूला आ जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विद एग्जाम्पल. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, कंजर्व रहता है मास. और सेकेंड हमारा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में है कि वेन एलिमेंट कंपाउंड या फिर इन द फॉर्मेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. तो एग्जाम्पल आप H2O का ले सकते थे, CO2 का ले सकते थे, मास के बेसिस पे उनका रेशियो बताना था. देखिए मार्क सेपरेशन इस क्वेश्चन में कैसे है, और नाइन्थ वाले में भी देख लीजिए, उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का 1 मार्क्स है, और 1 अगर वो आपके सही कैलकुलेट हुए तो 1 मार्क आ गया आपका. मीथेनॉल का मोल फ्रैक्शन करेक्ट आया 1 और आ गया, वाटर का करेक्ट आया होगा, तो टोटल 3 हो गए आपके. कंजर्वेशन क्वेश्चन नंबर 10 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और डेफिनेट प्रोपोर्शन में 1 1 मार्क स्टेटमेंट का है, एंड हाफ 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 फॉर द एग्जाम्पल, हाफ मार्क्स फॉर द एग्जाम्पल. कंजर्वेशन ऑफ मास का एग्जाम्पल अगर आपने इक्वेशन लेके दिया होगा, वो इक्वेशन कॉमन भी हो सकती है, ए प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी, और ए प्लस बी गिव्स अस सी, वो भी होगी तो भी चलेगा. तो हाफ मार्क्स फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एसआई यूनिट्स. तो 5 फीट 2 इंचेस लेंथ है, लेंथ की बेसिक यूनिट मीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना था, तो फीट को पहले इंचेस में करते हैं, फिर टोटल इंचेस को सेंटीमीटर में, और फिर वहां से मीटर में. 93 मिलियन माइल्स डिस्टेंस है, किलोमीटर में होगी, और 0.74 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है, दैट इज इनटू 10^-10. क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, द डेंसिटी ऑफ 3M सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन. ये आपकी NCERT बुक का एग्जांपल है, इन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जब हमने ये एग्जांपल डिस्कस किया था, ये मैंने तो भी कहा था आपसे कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आएगा, तो पहले ही एग्जाम में देखिए. तो दैट इज डेंसिटी गिवन है. देखो 3M का मतलब है मोलैरिटी, आपको मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी गिवन है ना, तो मोलैरिटी से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स लेके डेंसिटी गिवन है, मास कैलकुलेट करके आप मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स इसमें 3 आएंगे, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. हम 1000 मान के चलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को, लीटर ही लेंगे ना हम, 1000 ml लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 1 लीटर लोगे, तो 3 नंबर ऑफ मोल्स आ गए. फिर मोलैलिटी के लिए आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम, सॉरी मोलैलिटी के हमें चाहिए सॉल्यूट का मास. डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम आपके पास है 1000 ml, तो यहाँ से 1250 आ जाता आपका, फिर वहां से मोलैलिटी आ जाती. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07 हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, एंड 71.65% ऑफ क्लोरीन. मॉलिक्यूलर मास इसका 98.96 है. इसका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना था, कार्बन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका आ रहा होगा CH2Cl, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया होगा C2H4Cl2. लास्ट क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बाय यूजिंग दीज 3 सब हेडिंग्स. तो ये सब हेडिंग्स होनी चाहिए, इन सब हेडिंग्स के मार्क्स थे यहाँ पे 5, क्योंकि अगर मैं सिंपल लिख देती एक्सप्लेन रदरफोर्ड मॉडल, तो आप इन चीजों, ये जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन रिजल्ट है, आप इन पे फोकस नहीं करते, तो सब हेडिंग्स लिए मैंने प्रोवाइड करी है. डायग्राम आप प्रिपेयर बना ही लेंगे, 9th क्लास में बनाया आपने, 11th में भी हमने डायग्राम तो बनाया ही था. तो एक्सपेरिमेंट लिखा है, क्या एक्सपेरिमेंट था, कि गोल्ड फॉइल चूज करिए, अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट कराई, उसके बाद ऑब्जर्वेशन थी, 3 ऑब्जर्वेशन थी, यू नो दैट, और उसके 3 रिजल्ट्स थे, तो वो आपको अंडर सब हेडिंग अलग अलग लिखने थे. तो दैट इज अ कम्प्लीट 5 मार्क्स क्वेश्चन. और अगर हम डिटेल, अगर मैं ऐसे नहीं देती कि सब हेडिंग्स लिखिए,
तो सिंपल, आप क्या करते, आप एक पैराग्राफ में उसे एक्सप्लेन कर देते एंड यू आर होपिंग टू गेट 5 मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो अभी यहाँ पे डायग्राम के भी मार्क्स हैं, एक्सपेरिमेंट लिखने के भी हैं, ऑब्जर्वेशन के भी हैं, रिजल्ट्स के भी हैं, अलग अलग मार्क्स के अंडर आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। मैंने म्यूट कर रखा है सबको, मैंने अनम्यूट किया था। यू आर अलाउ टू अनम्यूट योर सेल्फ। नहीं, नाउ यू आर अलाउ। तो अगर दैट इज ऑल अबाउट द सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था। अगर किसी को कोई क्वेरी है रिलेटेड तो पूछ लीजिए, अदरवाइज रिडबर्ग इक्वेशन के क्वेश्चंस करने हैं हमने, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल्स हमने नहीं कर रखे। कोई क्वेरी है अगर सब्जेक्टिव में तो दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है। एनी वन ऑफ यू, ओके, तो फर्दर प्रोसीड with the topics. First of all, note down the Rydberg equation in your notebooks. Rydberg equation likhiye apni notebook mein. 1 upon lambda is equal to r bracket mein 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. 1 upon lambda is equal to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Revision ke usme humne isse सॉल्व नहीं करा था, तो अब करेंगे हम रिडबर्ग के न्यूमेरिकल्स। और सीरीज आप एक बार वो भी लिख लीजिए जो आपके 5 सीरीज हैं, लाइमन ये नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो हमें हेल्प लगेगी। तो आप अपनी नोटबुक से ही हेल्प ले सकते हैं, बार बार बुक ओपन करने की नीड नहीं। फॉर्मूला हमारा है 1 upon lambda = r 1 upon n1 square माइनस 1 upon n2 square, और r की वैल्यू लिख लीजिए 10.9677 सेंटीमीटर इनवर्स, और वो जो हमारी सीरीज है स्पेक्ट्रल लाइंस वाली वो लिख लीजिए, लाइमन पाल्मर पास्टन ब्रैकेट कुंड, उनका रीजन लिखिए। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। वेट अ मिनट, मैं वॉल्यूम चेक कर। फॉर्मूला, आपने फॉर्मूला लिखा रेट पर इक्वेशन का क्या? यस मैम। अब आ रही है आवाज? यस मैम। ओके, तो 1 upon lambda = उसे आप न्यू बार भी लिख सकते हैं, = r 1 upon n1 square माइनस 1 upon n2 square, और r की जो वैल्यू हमारे पास है, r होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, दैट इज 1096 W7, आर हो गए। और उसके बाद हम सीरीज लिखेंगे, सीरीज लिखेंगे और आप कॉपी कर मैथ में फिर ये होगी। तो हमारी हमारे पास 5 है, लाइमन बार्मर पास्टन ब्रैकेट और फुंड। सेकेंड हमने लिखना है इनका रीजन कि एक कौन से रीजन में ये हमें ऑब्टेन होती हैं। ये हमारी मिलती है यूवी में, बाल्मर हमारी मिलती है विजिबल में, और जो लास्ट की 3 है वो मिलती है इंफ्रारेड आईआर रीजन में। फिर इसके लिए एक वैल्यू और लिख लीजिए, दैट इज n1। n1 हमारी क्या है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट होती है n1, यहाँ से एक्साइट होकर एनर्जी लेवल में जाएगा। तो सिंपल एज नंबर, इसकी हमें नीड पड़ेगी। और n2 की वैल्यू याद रखिए इज ऑलवेज ग्रेटर देन n1, कुछ भी हो सकता है बट ग्रेटर देन n1, यानी कि n1 इज इक्वल टू 1 है तो n2 इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 सो ऑन, 2 है तो 3, 4, 5 सो ऑन, 3 है तो 4, 5, 6 सो ऑन, 4 है तो 5, 6, 7, कुछ भी हो सकता है, इसके आगे का भी हो सकता है, ये नहीं है कि सिर्फ इतने ही होंगे। तो ये फॉर्मूला भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक बार, 1 upon lambda =
न्यू बार इज इक्वल टू आर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर. और कीप इन योर माइंड कि एन टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन वन. एक बात ये याद रखनी है. दूसरी याद रखनी है रेडबॉक कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 0 आर इज इक्वल टू 1096777 सेंटीमीटर इन. तो इतना आप लिख लीजिए. अब इस तरह रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इनकी हमें नीड पड़ेगी. एक चीज और लिखनी है. वो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले भी करके लिखा हुआ है हमने कि अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है ना, इफ यू वांट टू कैलकुलेट, दो हैं दो कंडीशंस कह सकते हैं आप इन्हें. इफ यू वांट टू कैलकुलेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, उसने सीधा लिखा है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज, तो कुछ भी गिवन नहीं होगा. तो एन वन एन टू इज इक्वल टू आप लेंगे इन्फिनिटी, ठीक है. और अगर हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना चाहते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एन टू आप लेंगे जस्ट नेक्स्ट टू एन वन. तो पहले तो ये जो कंडीशन है इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे. कंडीशन देख लीजिए, लिख लीजिए. इफ यू वांट टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको एन टू इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको एन टू लेना पड़ेगा जस्ट नेक्स्ट टू एन वन. फॉर एग्जाम्पल अब देखो इसका क्या रोल है, क्यों लिखते हैं हमने यहाँ पे. अगर मैंने आपसे कहा कि कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर पास्टन, तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया. यू नो दैट कि पास्टन के लिए N1 3 N2 4 लेना है मुझे, तो आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. नोटेड, नोट कर लिया है सबने. अनम्यूट करके बोल दो क्योंकि मेरा नहीं हुआ. नो मैम, अगर आपने ये नोट किया मैम, वेट अ मिनट, तो फिर हां ओके नोटेड फास्ट. Noted. Then can I dictate a question? Cap noted. Yes, ma'am. Okay. Okay. और किसी का अगर रह गया हो तो अनम्यूट करके आप कह सकते हैं कि मैम नोट नहीं हुआ अभी. ओके, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल. तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रही हूँ, नहीं आए तो बता दीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे नोटबुक पे. क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन जो अभी आपने लिखी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली उसी से करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर पास्टन सीरीज. कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर पास्टन सीरीज. पास्टन सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट निकालनी है, तो शॉर्टेस्ट में एन टू इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेना है आपको, और एन वन लेना है आपको. क्या एन वन पास्टन के लिए होता है 3. तो फॉर्मूला में रखिए और सॉल्व कीजिए. पहले 1/λ कैलकुलेट कीजिएगा और उसके बाद लेमडा करेंगे कैलकुलेट. फटाफट सॉल्व करो. द क्वेश्चन इज डिपेंड ओनली ऑन योर कैलकुलेशन. मैंने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोली है लॉन्गेस्ट बोली है? शॉर्टेस्ट. ओके,
कैलकुलेटेड और इफ यू फाउंड एनी प्रॉब्लम आप कह सकते हैं कि सॉल्व करके दिखा दीजिए, मैंने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन. वन अपॉन लैम्डा अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो फिर हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं. If you find any problem in the question, then discuss. अगर आप solve कर रहे हैं तो do your calculation. Yes, Neha. And 8.21 into 10 to the power minus 5. Neha, repeat your answer again. Ma'am, 8.21 into 10 to the power minus 5. 8.21 into centimeter inverse. क्यों? क्योंकि unit का term है R. R की unit centimeter inverse, N1 N2 की unit ही नहीं है. Unit आपकी है centimeter inverse. देख लीजिए, मैं solution आपको show कर दे रही हूँ एक बार. तो आप math कर लीजिए जिनका नहीं हुआ, बाकी calculation इतनी आपकी. Main thing is your calculation. क्वेश्चन के लिए हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है. फॉर्मूला हमारा यही है रेडबर्ग का. N1 इज इक्वल टू 3 होता है और N2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी. इसे हमने पुट किया यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R 1 अपॉन 3 टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर. 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया 0, तो ये टर्म खत्म हो गया. तो इसे हमने 9 से डिवाइड करना था. तो 9 से डिवाइड करने के बाद ये हमारा आ रहा है 1218.33. फिर हमने लैम्डा कैलकुलेट किया तो 1 अपॉन लैम्डा की ये वैल्यू है, तो लैम्डा की क्या होगी, दैट इज 1 अपॉन, तो ये हमारा आ गया 8.20 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5. सिंपल एज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन. अगर आपको नीड है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड जस्ट क्लिक ऑन पार्टिसिपेंट्स दोज हु हैव सॉल्वड दैट दिस क्वेश्चन. क्लिक ऑन पार्टिसिपेंट्स एंड क्लिक ऑन यस. डू नॉट अनम्यूट योर सेल्फ. क्लिक ऑन पार्टिसिपेंट्स एंड क्लिक ऑन यस. जतिन एंड सलोनी एनी प्रॉब्लम? ओके सॉल्व. गैस 5 भारतीयम सॉल्व हो गया. गुड. आरुषि का कोई आरुषि मुस्कान एंड सन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट करेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का. ओके, तो लॉन्गेस्ट में जो N2 आपको लेना है जस्ट नेक्स्ट टू N1 लेना. तो कीजिए कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर द लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज. बाल्मर ले लीजिए, अब लाइमन बाल्मर नंबर 2 वाली ले लीजिए. बाल्मर सीरीज में कीजिए सॉल्व. तो बाल्मर में N1 इज इक्वल टू आपको 2 लेना है और N2 इज इक्वल टू लेना है 3.
solved. If you solve, then unmute yourself to share your answer. And if you found any doubt, just unmute yourself. We'll discuss about your doubt. Ma'am, 6.56 into 10 raised to the power minus 5. 6.56 into 10 raised to the power minus 5. Solve ho gaya. Yahi answer hai. Thank you. If you want, just take a screenshot. N1 is equal to, आपको इसमें 2 लेना है और N2 is equal to 3 लेना है, तो आपकी बाकी calculation ही और तो कुछ है ही नहीं. अगर कोई problem है तो आप बता सकते हैं, just unmute yourself. Otherwise, we will proceed further towards the next question. इसी का है, related to red bug. अब हमने shortest और longest वाला कर लिया, अब हम transition वाला करेंगे. लिखिए question, लिखिए. Question लिखिए, in the red bug equation, note down the question. In the Rydberg equation, a spectral line corresponds to n1 is equal to 3 and n2 is equal to 5. अब हमें value दे रखी है. Correspond to n1 is equal to 3 and n2 is equal to 5. First question लिखे इसमें. Calculate the wavelength and frequency of the spectral line. Calculate the wavelength and frequency of the spectral line. Second, likhe, to which spectral series lines belong? Does this lines belong? आपको बताना है कौन सी series में, Lyman, Balmer, Parson, Brackett, Fund. थर्ड लिखिए, इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विल दिस लाइन फॉल. कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये लाइन फॉल करेगी? और आपका होमवर्क आज का यही होगा कि ये जो 3 न्यूमेरिकल है आपको फेयर नोटबुक में इन्हें करना है. मैम नेक्स्ट वाला, हाँ मैम, सेकंड वाला न्यूमेरिकल रिपीट कर देना. ही करना सेकंड वाला तो था, कैलकुलेट सेकंड वाला क्वेश्चन बोल दूं? यस मैम, सेकंड क्वेश्चन. कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसका सेकंड पार्ट या फिर सेकंड क्वेश्चन? मैम इस क्वेश्चन का सेकंड. टू विच स्पेक्ट्रल सीरीज डज दिस लाइन बिलोंग, टू विच स्पेक्ट्रल सीरीज डज दिस लाइन्स बिलोंग. स्टार्ट कीजिए फटाफट, पहले वेवलेंथ निकालो, फिर फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है सी अपॉन लैम्डा से, और बाकी दोनों क्वेश्चंस तो नॉर्मल ही हैं, वो तो सॉल्व हो जाएंगे, वो तो हम उधर से मैथ करके कर देंगे. N1 is equal to 3 लो, N2 is equal to 5 लो, LCM लो, सॉल्व करो फटाफट. LCM आएगा ही नहीं, 5 into 3 ही आएगा, 15. 5 to 1, 15 आ गया. जल्दी सॉल्व कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है.
पहले लैम्डा निकालेंगे उसके बाद न्यू. What are you doing, Babu? Babu? Solved or not? Ma'am, lambda equals to 0.0001. आगे कैलकुलेट करूं. 10 टू द पावर माइनस 5 में लेके मतलब 2 के आगे 2 डिजिट तक 0.0001 के आगे 2 नॉन जीरो डिजिट और निकालो. उसके बाद उसे 10 टू द पावर में कन्वर्ट करके डेसिमल पॉइंट में एडजस्ट कर देना, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना. जितने भी आपके आंसर हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, यू हैव टू कैलकुलेट योर आंसर इनटू 3 नॉन जीरो डिजिट. आफ्टर डेसिमल यू हैव टू कैलकुलेट 3 नॉन जीरो डिजिट. कैलकुलेटेड मैम फ्रीक्वेंसी मैम फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2.34 इनटू 10 रेस टू द पावर 14. 2.34 इनटू 10 रेस टू द पावर 14. यस सेकंड इनवर्स. कन्वर्ट करेंगे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ पावर ही चेंज होगी और न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा आप रखेंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल करके आपको सेकंड इनवर्स डालना है. यूनिट का ध्यान रखिए. सेकंड क्वेश्चन आपका वो पूछ रहा था कि कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन में आएगा स्पेक्ट्रल सीरीज. n1 इक्वल टू 3 है तो n1 3 कौन सी सीरीज क्वेश्चन. और फिर पूछा कि कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग कौन से रीजन में आएगा. तो अगर आप इसकी वेवलेंथ को कंपेयर करेंगे तो ये IR रीजन में आएगा. सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो हो गया पाश्चन सीरीज. थर्ड का हो गया IR रीजन. और फर्स्ट वाले का आपको कैलकुलेट करनी है लैम्डा डालना है सिलिकॉन लैम्डा निकालना है. All these three numericals in your fair notebook. So let's over the class now. Goodbye. Take care.
Good morning, everyone. Only very few children are here. Hello, you want to take a break? Take 2 minutes break and come back. बेटा ब्रेक ओवर हो जाएगा तो मुझे बताना, ठीक है? अदरवाइज हम ऐसे ही बैठेंगे. आर यू देयर? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग प्रज्ञा. सचिन, जतिन सलोनी, जल्दी से आ जाओ. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सचिन. गुड मॉर्निंग मैम. ओके, सो एवरीवन इज हियर, फाइन. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद, कैसे क्या करना है बताओ, आज क्या करना है? डाउट्स हैं आपके? प्रज्ञा, do you have doubt? मैम, किंगडम एनिमेलिया ही करना है. किंगडम एनिमेलिया करना है? नहीं, उससे पहले आज का लास्ट डे है, ठीक है? मंडे यू आर हैविंग एग्जाम, आई होप, है ना? यस मैम. मंडे को एग्जाम है, तो यू आर हैविंग एनी डाउट विद द प्रीवियस चैप्टर? क्योंकि दिस किंगडम एनिमेलिया डेफिनेटली हम करेंगे, ठीक है? एक एक फाइलम को हमें डिस्क्राइब करना है, बस इतना ही करना है, ठीक है? बट उससे पहले अगर कोई आपको प्रीवियस चैप्टर्स में डाउट होंगे तो यू कैन आस्क. Okay. Sachin, Jatin Saloni. You all are clear with ki exam kis tarah se hone wale hain? Yes ma'am. ठीक है. और एक बजे, हाँ, एक बजे से पहले आप लोगों के EduNex में, या फिर अगर EduNex में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन सेंड इट टू, I'm talking about subjective exam, ठीक है? आप एक बजे से पहले आप मुझे WhatsApp कर देंगे, ठीक है? जब आपका connectivity resolve, problem resolve हो जाएगा, at that time you can upload that in the EduNex, क्योंकि EduNex के through ही copies आपकी check होंगी, WhatsApp के through नहीं होंगी, okay? So you should be clear with कि what you have to do. As you will complete your writing part of subjective exam, okay? आपको photo click करने हैं और उसे upload करना है EduNex पे, एक बजे से पहले, ठीक है? इनकेस आपको ऐसा लग रहा है कि EduNex में कनेक्टिविटी इश्यू आ रहा है, या फिर साइट ओपन नहीं हो रही है, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, तो इन दैट कंडीशन यू कैन टेक द फोटोग्राफ, ठीक है, एंड सेंड इट टू मी ऑन माय पर्सनल नंबर. इससे क्या होगा, एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आपने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं और आपने एक बजे से पहले सबमिट कर दिए हैं, फाइन. और उसके बाद में जैसे आपकी कनेक्टिविटी इशू होती, कनेक्टिविटी सॉल्व हो जाती है, ठीक है, जब भी आप कनेक्ट होते हैं नेट के साथ में, तो आप उसे अपलोड करो, ठीक है? एक साथ में अपलोड नहीं होगा, सो मेक इट पेज वाइज एंड देन यू अपलोड. पीडीएफ पेज वाइज क्लिक करो, ठीक है, और उसके बाद में उसे एक साथ में मत पीडीएफ में भेजो, उसके
अलग अलग पार्ट्स में भेजो उसे. फाइन. चलो डाउट्स प्रीवियस चैप्टर में कोई डाउट्स हैं? पहले तो एनसीईआरटी बुक है आपके सामने? यस मैम. नाउ ओपन योर एनसीईआरटी बुक. क्योंकि मैं व्हाई आई एम टेलिंग दिस कि मेनी थिंग्स यू विल फाइंड कि आपको पता ही नहीं है. कभी कभी ऐसा होता है एमसीक्यूज की लैंग्वेज जो है आपको ऐसा लगता है कि वो सिलेबस से के बाहर से है, बट सिलेबस के बाहर से बहुत कुछ भी नहीं है. ठीक है. इट कैन बी फ्रॉम द रेफरेंस बुक, इट कैन बी फ्रॉम एनसीईआरटी बुक ओनली. फाइन. कुछ चीजें हो सकती है कि आपने उसे पढ़ा है, ठीक है, बट वो हमारी बुक में एनसीईआरटी बुक में बहुत ही माइन्यूटली या फिर बहुत ही सिंपल फॉर्म में बताएगी, उसकी उसके ऊपर एम्फेसिस नहीं किया और हमने वाइल रीडिंग वी हैव इग्नोर दैट. ठीक है. तो हो सकता है उस टाइप की चीजें आ जाए, बट एवरीथिंग इज फ्रॉम योर बुक ओनली. ठीक है. कुछ ऑप्शंस बनाने के लिए कुछ एग्जांपल्स जो होते हैं वो बाहर से डाल दिए जाते हैं. ठीक है. बट एवरीथिंग इज फ्रॉम योर बुक ओनली. सो रीड इट थॉरली. चैप्टर रीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए. ठीक है. एंड डू इट बाय रीडिंग द प्रॉपर ऑप्शंस. फाइन. 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 60 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, उसमें से 40 मार्क्स जो हैं 1 मार्क्स के हैं और 20 मार्क्स जो हैं दैट इज ऑफ 2 मार्क्स. दे आर हाइयर बिट हाइयर ऑर्डर, बहुत ज्यादा हाइयर ऑर्डर नहीं है बट आप थोड़े से हाइयर ऑर्डर के हैं, तो दैट यू हैव टू सॉल्व. ठीक है. बाय दिस यू विल गेट ऑन 80, जो भी मार्क्स मिलेंगे आपको 80 में से मिलेंगे. बाद में आपकी 11:15 बजे आपकी सब्जेक्टिव एग्जाम स्टार्ट होंगे. सब्जेक्टिव एग्जाम में there will be 14 questions, 2 marks ke, 3 marks ke and 5 marks ke. theek hai. there is no internal choices. mostly the questions either in the form of worksheets you have done or ncrt ke form mein kiya hua hai. theek hai. bahut sare questions aapne kiye hue hain, so please revise once and solve that. theek hai. so meri taraf se to maine bata diya ki kya karna hai, kaise karna hai aapko. ab aap questions puchhenge. फाइन. या फिर मेरे सामने वीडियो ऑन करो और रिवाइज करो आप. सचिन जतिन सलोडी आप लोग नहीं देख रहे हो मुझे. सचिन जतिन सलोडी आई कांट सी यू. मैम मैं कंप्यूटर पे कर रहा था तो फिर मेरे पे कैमरा नहीं है. विश्वास करूं? यस मैम. वो मैम घर पे नहीं है, मम्मी पापा तो फोन नहीं है. ठीक. बट आपके सामने बुक खुली हुई है? यस मैम. ओके. तो फर्स्ट चैप्टर ओपन करो सभी. फर्स्ट चैप्टर. ठीक है. Turn the pages from the first chapter. Jatin Saloni, आपके पास भी बुक है? अगर मैं अब ऐसे कहूँ, first chapter जो है वो बहुत ज्यादा important है. Reason being इसमें से बहुत सारे MCQs हो सकते हैं. नहीं, otherwise MCQs जो है वो equal distribution है. ठीक है. 10, 10, 10 हाइयर मतलब ऑब्वियस है, प्लस 5 मतलब क्वेश्चंस जो होंगे, 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो हाइयर ऑर्डर के होते हैं. पर बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हर से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है. सो इट इज नॉट, आई विल नॉट से कि बहुत ज्यादा इसी चैप्टर से पढ़ना है या फिर इसी चैप्टर से पढ़ना है. सारे चैप्टर्स को ठीक से पढ़ना है. अब फर्स्ट चैप्टर इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में जो बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत मिक्स है, मिंगल्ड है. आप लोगों को भी जब आप पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसे लगती है कि बहुत सारी चीजें मिक्स है. लाइक यहाँ पे लाइफ प्रोसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, डिफाइनिंग फीचर्स हैं, मतलब जो हमें पता है. ठीक है. और वो सारी एक साथ में मिक्स हो गई है. फिर टेक्सोनॉमी है. ठीक है. फिर बाद में डेफिनेशंस है. तो उनको प्रॉपर में आपको पढ़ना है. से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू Mm-hmm.
ओके रिलेटेड टू द फैमिलीज ठीक है कैन यू ओपन योर बुक एंड वेयर द फैमिलीज आर रिटन कौन कौन सी फैमिलीज रिटन वहां पे लिखी हुई है कैन यू रीड देयर फ्रॉम देयर फैमिलीज आर देयर हायरार्की में देखो फैमिलीज दिखा आप सबको फैमिली दिखा ठीक है अब इस फैमिली में आप रीड करो कौन कौन से वर्ड्स आए सोलानम सोलानम उसके बाद में पिटोनिया डेट्यूरा डेट्यूरा ठीक है उसके बाद में ऑर्डर नेक्स्ट इज ऑर्डर convolvulence solanuness correct hai include in order of polymonials okay theek hai fir uske baad mein then you comes to the class yes class mein padho class mein padho primata primata okay comprising of monkey gorilla and gibbons they are all are similar type of monkey like structures okay primata iske baad mein class mammalia along with order carnivora that include animal like tiger cat and dog or plants se related दही दिखा मैम वो फ्लोएम की लास्ट वाली लाइन में है ना फ्लोएम की बट फैमिली में अगर आप देखते हो फैमिली में अगर प्लांट से रिलेटेड है तो दे आर द सोलनेसी फेबिएसी कुछ दिख रहा है आपको यस मैम ओके तो ये सभी फैमिलीज जो इनके नाम दिख रहे हैं आपकी बुक में इसमें लास्ट में कुछ वर्ड जो है कुछ अल्फाबेट जो है वो कॉमन है What it denotes? The families जो है जैसे एंजाइम का नाम अगर हम कोई भी एंजाइम का नाम लिखते हैं ठीक है तो amylase ASE is at the last ठीक है suffix जो होता है ASE होता है इसके अलावा when we are saying lipase amylase lipase protease ठीक है तो ASE जो है वो suffix है ठीक है और इट इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ दैट इज द एंजाइम ओके वैसे ही अब मैंने जो आपको एग्जांपल दिया सोलनेसी फेबिएसी ओके इनके पीछे इनमें कुछ वर्ड कुछ अल्फाबेट्स जो हैं वो कॉमन हैं कौन से हैं आईएस ए सी ए ई इट इंडिकेट्स दैट विच हायरार्की ग्रुप इट इज So that is the family. Okay? So, बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं है पर ये स्मॉल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है वैसे ही ए एल ई ए एल ई एस एलिस जो होती है दे डिनोट द ऑर्डर ओके और ओ एन ए ई ओ एन ए ई जो होता है इट इंडिकेट्स द क्लास ओके सो मोस्टली क्योंकि इतना डिटेल आपके क्लास इलेवेंथ में नहीं है ओके बस जस्ट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन कि इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो रीड देम केयरफुली एंड ट्राई टू फाइंड आउट ए सी ई ए जो होता है दैट इज द फैमिली ओके फैमिली हाँ ए एल ई एस दैट इंडिकेट ऑर्डर ओके और उसके बाद में ओ एन ए क्लास क्लास ठीक है Like monocotyledoning, then dicotyledoning. ठीक है
और लिगनेस. तो दीज आर सर्टेन थिंग्स. इसके अलावा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी एक ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाएगा, ठीक है, उसमें से क्या इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट लेटर क्या इंडिकेट कर रहा है, सेकेंड लेटर क्या इंडिकेट कर रहा है. हो सकता है साइंटिफिक नेम अलग अलग फॉर्म में लिखे गए हो एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट वन. ओके, सो यू कैन आइडेंटिफाई द करेक्ट वन ओनली व्हेन यू नो द ऑल द रूल्स ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स अगर आपको पता है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट की विच इज द करेक्ट वन. ओके, दो इट इज वेरी सिंपल. हायरार्की भी है, हायरार्की भी अगर सिमिलर फॉर्म में है, मतलब लाइक इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन या फिर उसके बाद में किंगडम, तो ये पूरा एक सीक्वेंस में है, ठीक है. सो कैन बी आस्क्ड कि सीक्वेंस करेक्ट कौन सा है, सो यू हैव टू फाइंड फ्रॉम दैट. ठीक है, हो सकता है ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस किंगडम से स्टार्ट ना हो, हो सकता है वो सीक्वेंस स्टार्ट हो ऑर्डर से. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, सिर्फ इतना ही बताया गया, तो ये करेक्ट सीक्वेंस है. ठीक है, इसका ये नहीं है कि किंगडम से स्टार्ट होगा, बट वो हायरार्की जो है वो प्रॉपर सीक्वेंस पे है या नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट. किसी ऑप्शन में आपको वो जंबल दिखेगा, ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट. अब इस कंडीशन में कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो इमीडिएटली राइट किड्स प्रिफर चीज ओवर फ्राइड ग्रीन स्पिनच. ठीक है, उसके फर्स्ट लेटर क्या है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, अदरवाइज इफ यू आर लर्निंग देन इट इज गुड. ओके, सो जस्ट एक हिंट दिया मैंने आप लोगों को. देन व्हाट इज सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक क्या है, आईयू, आईसीबीएन क्या है, आईसीजेडएन क्या है. ओके, इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स. हर्बेरियम, इट इज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स है, या मतलब कुछ ट्विस्ट करके आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सो रीड इट केयरफुली. ठीक है, कीज में क्या प्रेजेंट होता है, रीड प्रेजेंट होती है, कपड़े किसे कहते हैं, सो दीज आर द सिंपल सिंपल टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी आस्क्ड. आप फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो पूछो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है आपकी बुक से ही पूछी गई है. कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस हैं. अगर फर्स्ट चैप्टर में अगर आपके डाउट्स क्लियर है तो वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर में कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी से, वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड चैप्टर. अदरवाइज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हु प्रपोज द सिस्टम्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, इन वन बुक एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस करती हूँ. देयर इज अ क्वेश्चन, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. ठीक है, द क्वेश्चन इज ब्रिंजल एंड पोटैटो बिलोंग्स टू द सेम जीनस, मतलब इनका जेनेरा जो है वो सेम है, दैट इज सोलेनम. ओके, बट द टू डिफरेंट स्पीशीज, बट दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज, वॉट डिफाइंस देम एज सेपरेट स्पीशीज. दोनों का जेनेरा सेम है, दैट इज सोलेनम. समझ में आ रहा है, जेनेरा जो है दोनों का सेम है, दैट इज सोलेनम. इनकी स्पीशीज डिफरेंट है, तो व्हाट इट मेक देम डिफरेंट, मतलब व्हाई दे बोथ आर डिफरेंट, क्या करना होगा इसमें. मैम ब्रिंजल और क्या है, ब्रिंजल एंड पोटैटो, पोटैटो. सिंपल से सिंपल, मतलब इसमें क्या लिखना होगा. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम यू, आई एम एक्सपेक्टिंग क्या लिखना होगा हमें इसमें. वॉट, अगेन लिसन टू मी माई वर्ड्स, what defines them as a separate species. Don't you feel that
किसी को बताना है तो यू कैन टेल. आई वेट फॉर अ मिनट एंड देन आप सोचो, उसके बाद में आंसर करो. उससे कोई मैटर नहीं करता. मतलब क्यों उन्हें दूसरा स्पीशीज, क्योंकि क्यों उनकी स्पीशीज डिफरेंट है, इट इज आस्क्ड. मैम क्योंकि उनकी टैक्सोनॉमी कैटेगरी अलग है. जेनेरा तक तो सेम है, जेनेरा तक तो सेम है. ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें हमें क्या पता करना, क्या बताना होता है. हियर दे आर एक्सपेक्टिंग अ डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज, एंड व्हाट इज द स्पीशीज डेफिनेशन. पढ़ के बताओ. सलोनी जतिन. अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज. नहीं, फिर कंप्लीट नहीं है स्पीशीज की डेफिनेशन. ये हमने ये डिस्कस किया क्लास में. सचिन आप बताओ. या किसकी डोरबेल बजी है, वो जाके खोल के आ जाए. ओके, टेल. एक स्पेसिफिक टर्म यूज होती है स्पीशीज की जब हम बात करते हैं. आई थिंक क्लास टेंथ में भी प्रज्ञा मैंने बताया ये क्लास में. दे कैन नॉट इंटरब्रीड. इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होता, और जिनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, दे आर द डिफरेंट स्पीशीज. ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से एक बीटल यहाँ से एक बीटल वहां पे मूव हो गया, फिर कुछ अडेप्टेशन हुआ, फिर दोनों अगर एक साथ में आ रहे हैं तो दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द फर्टाइल. ये स्पीसिएशन हमने पढ़ा था ना लास्ट ईयर, सभी ने पढ़ा है. आपने नहीं, सभी ने पढ़ा है, इवन जतिन सलोनी ने भी पढ़ा है. ठीक है, तो स्पीशीज आर सच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड. एक स्पीशीज के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्रीड, दे कैन रिप्रोड्यूसली, दे कैन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दे प्रोड्यूस द फर्टाइल प्रोजिनी. ओके, सो यहाँ पे ब्रिंजल और पोटैटो, व्हाई दे आर इन द डिफरेंट स्पीशीज, व्हाई दे आर डिफरेंट स्पीशीज, बट दे कैन नॉट इंटरब्रीड. फाइन, समझ गए. तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन जो होते हैं. अब ये क्वेश्चन बेसिक कहाँ पे है इसका, इस क्वेश्चन का बेसिक कहाँ पे है. इस क्वेश्चन का बेसिक है डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज. ओके, सो हमको इस तरह से पढ़ना है. एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस चैप्टर, विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टू एरिस्टोटल ने क्या किया, फिर और कौन है, विटेकर ने कौन सा, मतलब किस टाइप की फीचर्स फाइंड आउट किए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फाउंड इन द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये है. उसके बाद में कैरलस लीनस ने क्या किया, मोनेरा के क्या फीचर्स प्रेजेंट हैं. सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. थोड़ा सा एक और कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, क्लमाइडोमोनास से रिलेटेड या फिर क्लोरेला से रिलेटेड, साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड, कि विच किंगडम दे बिलोंग टू. ठीक है, लाइकेन एक क्वेश्चन मुझे याद आया, आई डोंट नो इट इज इन योर सिलेबस और किसी और बुक पे था या फिर किसी और में था. देर वॉज एन ऑप्शन लाइकेन्स. लाइकेन्स में एल्गल कंपोनेंट होता है और फंगल कंपोनेंट होता है. एम आई करेक्ट, होता है दो कंपोनेंट्स होते हैं. एल्गल कंपोनेंट इसी चैप्टर से रिलेटेड है, एल्गल कंपोनेंट और फंगल कंपोनेंट. सचिन कैन यू टेल मी व्हाट इज एल्गल कंपोनेंट, नेम द एल्गल कंपोनेंट. सचिन कैन यू नेम द एल्गल कंपोनेंट.
ओके मैं बताती हूँ, अब आप लोग उसमें से मैं नाम बता देती हूँ. वन इज कॉल्ड एज माइकोबाइंड एंड अदर इज कॉल्ड एज फाइकोबाइंड. एंड नाउ यू टेल मी व्हाट इज माइकोबाइंड एंड व्हाट इज फाइकोबाइंड. सचिन आई होप हमने बहुत डिस्कस किया था इससे रिलेटेड, बहुत ज्यादा. मैंने कुछ टिप्स भी दिए थे कि आपको इस तरह से याद करना है. कैन एनी वन टेल मी व्हाट इज माइकोबाइंड एंड व्हाट इज फाइकोबाइंड, विच टाइप ऑफ कंपोनेंट इट इज, एल्गल और फंगल कंपोनेंट? एग्जाम है. यस सचिन, जतिन, सलोनी, आप बता दो व्हाट इज एल्गल कंपोनेंट एंड व्हाट इज फंगल कंपोनेंट. माइकोबाइंड किसे कहा है और फाइकोबाइंड किसे कहा है? ये तो डीप, दिस इज द बेसिक, दीज आर द बेसिक. माइकोलॉजी, माइकोलॉजी जो है वो फंगस की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं. ठीक है, तो अब याद होगा आपको कि माइकोबाइंड किसे कहा है हमने. इट इज, यस बोलो जतिन सलोनी, माइकोबाइंड. मैम जिसमें एल्गी प्रेजेंट होती है मैम उसको एल्गल कंपोनेंट कहते हैं, और जिसमें फंगल. ठीक है, बट माइकोबाइंड और फाइकोबाइंड किसे कहते हैं? मैम फाइकोबाइंड्स में मैम हम फंजाई की स्टडी करते हैं. कंफर्म है? बुक सामने है, जरा देखना. फाइकोबाइंड में हम किसकी स्टडी को करते हैं? एल्गल कंपोनेंट को नाम क्या दिया हमने? छोटा सा तो पोर्शन है, 5-6 लाइंस तो दिए हुए एल्गल लाइकेन्स के बारे में वहां पे. इवन इट इज मेंशन दैट एल्गल कंपोनेंट क्या है और फंगल कंपोनेंट क्या है. और छोड़ दो, ठीक है. माइकोराइजा, ये नाम सुना है आप लोगों ने? माइकोराइजा, यस और नो? आप लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते. तो इतना सिंपल नहीं है. थियोफाइसी क्या थी? क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी. यस, अभी मैंने कुछ क्लूज भी दिए आप लोगों को. मैंने क्या कहा? माइकोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ फंगस. तो माइकोबाइंड क्या होगा? क्या ये फंगल कंपोनेंट हो सकता है? है, फंगल कंपोनेंट है. और फाइकोबाइंड जो है दैट इज द एल्गल कंपोनेंट. ठीक है, क्वेश्चन तो साइड में रह गया. सिर्फ मैंने आपको माइकोबाइंड और फाइकोबाइंड समझाया. तो माइकोबाइंड इज द फंगल कंपोनेंट, राइट? एंड एल्गल कंपोनेंट इज फाइकोबाइंड. MYCO, PHYCO. हो सकता है वहां पे सुनने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी. MYCO, दैट इज माइकोबाइंड. ठीक है, एंड माइकोबाइंड इज द फंगल कंपोनेंट. ओके, फाइकोबाइंड, PHYCO, फाइकोबाइंड इज द एल्गल कंपोनेंट. Right? अब जब एल्गल कंपोनेंट है यहाँ पे, मतलब एल्गी प्रेजेंट होनी चाहिए. ओके, अगर उसमें ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस एल्गी के ऑप्शंस आपको दिए हैं, से फॉर एग्जांपल वहां पे
एग्जाम्पल दिया है वायरस, एग्जाम्पल दिया है बैक्टीरिया, ठीक है, एग्जाम्पल दिया है ब्लू ग्रीन एल्गी और एग्जाम्पल दिया है ग्रीन एल्गी. विच ऑप्शन यू विल चूज? फाइंड द फाइकोबायंट कंपोनेंट ऑफ लाइकिंग, ये क्वेश्चन है. ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके. जतिन सलोनी आप बताओ. सचिन बताओ. एंड व्हाट इज द अदर नेम? चलो प्रज्ञा ही कनेक्टेड है तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी? कैन वी कॉल इट एज साइनोबैक्टीरिया? मोनेरा में आ जाओ, टर्न द पेजेस, कम टू मोनेरा. आगे, ठीक है, तो क्या हम इसे एल्गी मानेंगे? सो इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है एंड इन दैट कंडीशन योर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ग्रीन एल्गी. इट्स नॉट द ब्लू ग्रीन एल्गी, इट विल बी द ग्रीन एल्गी, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो है दैट इज मोनेरा, दे आर मोनेरियंस, दे आर नॉट कम अंडर द थैलोफाइटा और दे आर नॉट कमिंग अंडर द किंगडम प्लांटे. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो है किंगडम प्लांटे में नहीं आते. अब साइनोबैक्टीरिया किंगडम प्लांटे में क्यों नहीं आते, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है. ठीक है, विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवरी के बाद में, दो इट इज ब्लू ग्रीन एंड दे आर लॉन्ग फिलामेंटस एल्गी, ठीक है, बट आफ्टर द डिटेल स्टडी ऑफ देयर स्ट्रक्चर इट इज फाउंड दैट द न्यूक्लियस जो है उनका प्रिमिटिव टाइप का है. ओके, एंड दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विद नो सेल्युलर ऑर्गेनेल्स. इनके अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर न्यूक्लियस भी नहीं प्रेजेंट है और सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं या फिर हम सेल ऑर्गेनेल्स जिसे हम कहते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट प्रेजेंट. ओके, इसीलिए उन्हें हमने प्लांट किंगडम से हटा के कहाँ पे डाल दिया, मोनेरा में डाला. तो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच वी हैव टू पे अटेंशन टूवर्ड्स. फाइन, फिर प्रोटोजोआज है, प्रोटोजोआ के टाइप है, यूग्रिनॉइड्स का परोजिंग कर लिया था हमने, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, इम्परफेक्ट फंजाई हमने किसे कहा था, विच ऑफ द डिविजन्स ऑफ फंजाई वी कॉल एज इम्परफेक्ट फंजाई. सचिन बताओ आप, सचिन ने एक भी आंसर नहीं किया है. सचिन टेल. ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मी द पेपर इज इजी, ठीक है, बट हो सकता है अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो आपको डिफिकल्ट लगे. और कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछेंगे फोन करके, ठीक है, बट क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे. अगर कनेक्टिविटी इशू है तो आप पूछेंगे. फाइन, चलो अब आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछो, बिकॉज लास्ट आई थिंक 5 minutes left. 11:25. 5 minutes left. So you can ask the question. अगर आपको भी अभी भी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई डाउट्स होंगे तो यू कैन आस्क. अब मेरे डाउट्स क्लियर करोगे आप लोग?
सचिन अनम्यूट करो, जतिन सलोनी यू ऑल्सो अनम्यूट योर सेल्फ एंड प्रज्ञा यू ऑल्सो. एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा वास्ट है सिलेबस, या आप नहीं पढ़ रहे? एक एक करके बताओ. हम चैप्टर 4 तो हो गया है हम, लेकिन बाकी में थोड़ा सब उल्टा सीधा हो रहा है. कहाँ पे उल्टा सीधा हो रहा है ये बताओ भाई. इसीलिए तो लास्ट टाइम भी मैंने नहीं पढ़ाया, इस बार भी मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग समझा मुझे. सी आई कांट जज योर सेल्फ, यहाँ से बैठकर मैं यही जज नहीं कर सकती कि प्रज्ञा को क्या डिफिकल्टीज, सचिन की क्या डिफिकल्टीज है, जतिन सलोनी की क्या डिफिकल्टीज है. मैं आपके ब्रेन में जाके मैपिंग नहीं कर सकती किसको कितना समझ में आया. ठीक है, मुझे कब पता चलता है कि आपके समझ में नहीं आया? व्हेन यू आर आस्किंग द क्वेश्चन टू मी कि मैम ये समझ में नहीं आया. जब आप मेरे पास में आओगे और हो सकता है वो प्रज्ञा का डाउट हो, और हो सकता है सचिन या फिर जतिन सलोनी हेजिटेट कर रहे हैं पूछने के लिए, तो प्रज्ञा ने पूछ लिया इस वजह से इनके भी डाउट क्लियर हो गए. तो यू आस्क द क्वेश्चंस. तो अगर आप सब्जेक्ट से, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ भी मुझसे पूछ लो, आई एम नॉट दैट मच इंटेलिजेंट. ठीक है, बट सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप मुझे कुछ पूछोगे तो डेफिनेटली आई विल आंसर, और नहीं होगा तो आई विल फाइंड योर आंसर. नेक्स्ट डे आई विल एक्सप्लेन, बट पूछो तो सही क्वेश्चन. मैं क्लास में सिर्फ मैं ही बोलती हूँ, आई फील वेरी बोर्ड, एंड यू कांट बिलीव दैट कि मैं आपकी क्लास में बोलने के बाद में नेक्स्ट क्लास में ना बोल ही नहीं पाती हूँ. मतलब ऐसे नहीं आपकी क्लास में, बट कंटिन्यू 2 लेसन से हो जाते हैं ना, थर्ड लेसन में आई एम नॉट हैविंग दैट एनर्जी बिकॉज कंटिन्यूसली फॉर 40 मिनट्स आई एम स्पीकिंग. सो आई विश कि बीच बीच में आप भी क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है, सो दैट मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, है ना. और अगर आपको कुछ उससे रिलेटेड यू हैव द यू नो मोर अबाउट दैट, तो यू एक्सप्लेन इन बिटवीन. तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा. और एक और चीज मैं बता दूं, क्लास 10th में जो स्टडीज है उससे कहीं ज्यादा क्लास 11th की स्टडी है. तो यू कैन नॉट रिलाई योर सेल्फ की क्लास 10th में हमने जितना पढ़ा उतना ही क्लास 11th में हमें पढ़ना है. आपको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे. मैं आई थिंक फर्स्ट लेसन में सिर्फ मैंने यही समझाया था, फर्स्ट सेकंड लेसन में यही समझा रही थी कि क्लास 11th में आ गए हो आप स्टडीज, वो छोटी थोड़ी स्टडीज नहीं है, अब स्टडीज बहुत ज्यादा वास्ट है. ठीक है, डरा नहीं रही हूं मैं आपसे, सिर्फ समझा रही हूँ कि यू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स, और क्लास 12th पे स्टडी आवर्स इम्प्रूव करने होंगे. और क्योंकि वी आर एम्बिशियस, वी आर हियर, वी हैव टेकन बायोलॉजी फॉर अ सर्टेन एम्बिशन, क्योंकि हमारी कोई एक महत्वाकांक्षा या फिर हमारी कोई इच्छा है यहाँ पे कि हमें क्लास 12th में, जब हमने 11th 12th में बायोलॉजी ली है, तो हमें कुछ करना है बायो में, राइट है ना. और देखो फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो स्टूडेंट जो होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो व्हाट, हाउ कैन यू स्कोर, यू कैन स्कोर थ्रू बायोलॉजी. बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल होती है, ठीक है, तो आप खुद से पढ़ के अपने डिफिकल्ट, अपने डिफिकल्टी सॉल्व करके यू कैन स्कोर मच बेटर. फिजिक्स में थोड़े से मार्क्स कम हो गए या केमिस्ट्री में थोड़े से मार्क्स कम हो गए, तो बायो आप उसको पूरा ये कर लेगा ना. It can manage the marks. It can, we can say, it can fill up that gap. है ना, so पढ़ना बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा difficult नहीं है. अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप समझ रहे हो, और अगर आप समझ नहीं रहे हो तो फिर बहुत difficult है. You can write in your words. If you are English literature is, or if you are having good रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल, आप अच्छे से लिख सकते हो. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. रीड क्वेश्चन केयरफुली. अभी भी आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो क्वेश्चंस, फाइन, बट ओनली अ रिक्वेस्ट कि चीटिंग नहीं करनी है. बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, फाइन. और
ट्यूसडे को जब हम मिलेंगे तो वी विल डिस्कस अबाउट योर क्वेश्चन पेपर. फाइन, तो क्वेश्चन पेपर साथ में रखना, मतलब फोन में आपके साथ में रहेगा क्वेश्चन पेपर, क्योंकि पीडीएफ आई एम सेंडिंग ऑन योर ग्रुप. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. एनी टाइम यू कैन कॉल मी एंड यू कैन आस्क मी. बाय द टाइम आई थिंक मैंने तीनों चैप्टर लोड कर दिए हैं एडियोनेक्स में. तीन चैप्टर्स तो आ गए, एनिमल किंगडम नहीं हुआ, तो वो आज मैं लोड कर दूंगी. ठीक है, सो आई विल एंड द मीटिंग हियर. ओके, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. ओके बाय बेटा, ऑल द बेस्ट. सचिन, ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम.